हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे, भिन्न को समझेंगे कि भिन्न क्या होती है। घर में तुम लोग आपस में बांटकर रोटियां खाते होगे, या अन्य चीजें आपस में भाई बहनों के बीच बांट के खाते होगे। जैसे अगर घर में एक रोटी बनी है तो रोटी, और तुम दो भाई बहन हो तो रोटी को कैसे बांटोगे? रोटी को बीच से आधा आधा बांट के आपस में बांट लेंगे। यानी कि रोटी हमने आधी अपने भाई को दे दी, आधी स्वयं खा ली। आधा का मतलब क्या हुआ? जैसे एक कागज है, ये पूरा कागज है, अब इसको हमें दो भागों में बांटना है तो बिल्कुल बराबर बीच से हम इसको मोड़ देंगे। मोड़ने पे क्या होगा? इसके दो भाग प्राप्त होंगे, आधा भाग इधर होगा, आधा भाग इधर होगा। ऐसे ही इसको अगर हम इस तरीके से मोड़ दें पेपर को, तो इसके कितने भाग हो गए? देखो, एक, दो, तीन, चार, यानी कि इसके चार भाग हो गए। अगर इसको एक भाग हम किसी को निकाल के दें इसको, तो एक कौन सा, ये पूरे कागज का ये कौन सा भाग होगा? एक, दो, तीन, चार भाग बन गए। एक भाग अगर हम किसी को दें तो ये चौथाई भाग हो जाएगा, आधा देंगे तो आधा हो जाएगा। तो कोई चीज है उसको हम आपस में बांटते हैं इस तरीके से, तो आधा भाग इधर हो गया, आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। अब इसको अगर हम भिन्न में लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? आधे भाग को भिन्न में हम एक बटा दो के रूप में लिखते हैं। अब इसमें एक बटा दो, ये जो लकीर है इसको हम बटा कहते हैं। इसको बटा कहेंगे। ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे अंश, और नीचे वाले भाग को हम कहेंगे हर। इस आधे भाग को हम एक बटा दो के रूप में इसको प्रदर्शित करेंगे। ऊपर वाले भाग को कहेंगे अंश, नीचे वाले भाग को कहेंगे हर, और बीच में जो लकीरें बनाते हैं इसको हम कहते हैं बटा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अंश, इस रोटी के हमने कितने टुकड़े किए? दो टुकड़े किए। तो हर का मतलब हो गया, नीचे हर है, इसके कितने टुकड़े किए? दो। दो में से रोटी हमें कितनी मिली? इसके दो टुकड़े थे, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो इसमें से एक टुकड़ा हमें मिला। यानी इस पूरी रोटी का कौन सा अंश हमें मिला? जो उसके दो टुकड़े किए उसका एक अंश मिला, एक अंश, तो इसको अंश कहते हैं। और नीचे हर है, इसके हमने दो टुकड़े किए तो ये हर हो गया। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से दूसरा होता है समूह का एक भाग। यानी अगर कोई चीज समूह में रखी है, उसमें से कुछ चीजें अगर इधर उधर करते हैं तो उसको हम कैसे उसको भिन्न में लिखेंगे? जैसे हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ गेंदे हैं। हमारे पास कितनी गेंदे हैं? नौ गेंदे हैं। नौ में से चार गेंदे हम अपने अपने मित्र को दे देते हैं। तो इसको अगर हम कहें भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? हमने चार गेंदे दे दी तो हमें अपनी कुल गेंदों में से कौन सा हिस्सा अपने मित्र को दे दिया, तो उसको हम लिखेंगे जैसा कि हमने कहा था अंश। अंश में क्या लिखेंगे? कौन सा अंश दे रहे हैं? चार, और कुल गेंदे कितनी है? नौ। तो इसको हम चार बटा नौ के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अन्य चीजों को हम बांट सकते हैं, उसमें अंश और हर
अगर समझ में आ जाएगा तो भिन्न लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अंश का मतलब होता है हिस्सा, कौन सा हिस्सा मिलना है, और हर का मतलब होता है कितने टुकड़े या कुल कितनी संख्या है। समझ में आ गया? हो गया। थैंक यू।